के दूध से बनाए पनीर कितना मस्त बन गया। पनीर ये काट के रख, मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं इसको, मिक्सी में जाके अभी ग्राइंड कर लेते हैं, फिर हम मिलते हैं आपके साथ। ये कितना भी यम्मी यम्मी बन गया। बाय। हेलो कैसे हैं आप लोग? सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं? सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और देखिए अब हम जा रहे हैं बनाने पालक पनीर फिर से। इसको अच्छे से धोना पड़ता है, पालक को एक बार नहीं, इसको बहुत बार धोना पड़ता है। धोते 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 पूरा इसको मिट्टी निकालना पड़ता है। ये देखिए अभी तेल गरम हो गया, इसमें जीरा डालती हूँ। ये देखिए ये जीरा कड़क गया, देखिए तो इसमें लहसुन डालूंगी। देखिए ये देखिए लहसुन थोड़ा सा पक गया, अब इसमें प्याज डाल रहे। देखिए ये प्याज, पालक पनीर बनाने की शुरुआत है। देखिए कैसे कैसे बना रही हूँ। तेल डाला, जीरा डाला, ज्यादा तेल नहीं डाली लेकिन एकदम स्वादिष्ट बनेगा। जरूरी नहीं कि ज़्यादा तेल से ही स्वादिष्ट सब्जी बनता है, सब्जी बनाने का तरीका होना चाहिए अच्छा। देखिए अब प्याज थोड़ा सा भून जाएगा, इस प्याज को करने के लिए थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, हल्का सा, हल्का सा ही डाली हूँ, बाकी बाद में डालूंगी। इससे प्याज ना मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा। इसको तेज आंच पर ही फ्राई कर रही हूँ। देखिए क्योंकि इसको भूनना है प्याज को ना, कच्चापन मिट जाए इसका। ये देखिए भुन गया ना, अब इसमें टमाटर डालती हूँ। ये देखिए इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेती हूँ, भून के थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल देती हूँ। इसमें देखिए धनिया पत्ता डाल दिया, जो धनिया पत्ता का जड़ था वो इसमें डाल दिया, उसको भी इसी के साथ भून ले रहे हैं। बाद में भी डालेंगे गार्निश के लिए, लेकिन इसमें अच्छा फ्लेवर देता है। और ये देखिए ये जो पनीर आज निकाले थे ना, पहले वीडियो में हमने दिखाया आपको पनीर निकालते हुए, वही पनीर है घर का बना हुआ, तो इसको हम कट करेंगे। ये देखिए गाय के दूध से बनाए पनीर कितना मस्त बन गया। पनीर ये काट के रख लेते हैं जब तक ये भी हो गया,
अब इसको ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए गैस जला दिए और कढ़ाई में भुजे थे इसी में थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा तेल पड़ा था। तेल गरम हो गया कढ़ाई में जिसमें मसाला भुजी थी, अब इसमें देखिए ये डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं इसमें साग को, ये गल जाएगा थोड़ा भुना जाएगा इसलिए हल्का सा डाल लें। हल्का सा प्याज भी डाले थे हल्का इसमें। ये देखिए गल गया ना, इसको अब बंद करके ठंडा करके इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए अभी मशीन में इसको मिक्सी में ना ग्राइंड कर लेते हैं, जो मसाला भुजे थे इसको मशीन में ग्राइंड कर मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। इसको मिक्सी में जाके अभी ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए मसाला पिस गया ना सुंदर। गैस जला के अभी कढ़ाई फिर से रख दिया। अभी देखिए थोड़ा सा तेल डालेंगे, आधा चम्मच ज्यादा नहीं। ये देखिए जीरा डालेंगे थोड़ा। अब इसमें मसाला डाल दूं। जल्दी भुना आ जाएगा मसाला क्योंकि ये भुना हुआ है, ऑलरेडी भुना हुआ है तो इसको थोड़ा इसको भून के फिर इसको पीस के खोल जाएगा तब डालेंगे। ये खोल गया, अब देखिए ये भी पक गया अच्छे से। ये देखिए अब इसमें हम पनीर डालेंगे। Thank you.
ये देखिए यम्मी यम्मी बन गया पालक पनीर। देखिए क्या ग्रीन ग्रीन है, हमारे जैसे बनाएंगे ना तो आप इसी तरह से एकदम देखिए ग्रीन ग्रीन कितना सुंदर बना है। तो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भाई। आप लोग अगले ब्लॉग में फिर से मिलिए, फिर हम मिलते हैं आपके साथ। ये कितना भी यम्मी यम्मी बन गया। बाय।